ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन पोटेंशियल या उभयनिष्ठ विभव। अब बच्चों, चाहे आप यहाँ पर दो चालक ले लें, चाहे आप जो है यहाँ पर दो संधारित्र ले लें या कैपेसिटर। मान लीजिए बच्चों, हमारे पास दो चालक हैं, हम यहाँ पर चालक लेते हैं। मान लीजिए ए कोई चालक है और एक चालक कोई बी है। ठीक है बच्चों, हमारे पास दो चालक है। जब हम इसको आवेशित करेंगे तो इसका विभव, मान लीजिए इसका विभव V1 है और इसकी धारिता C1 है। ठीक है बच्चों, और कितना आवेश दिया है बच्चों हमने इसको, Q1 आवेश हमने इसको दिया। Q1 आवेश देने से इसका विभव V1 हुआ और इसकी धारिता C1 हुई। ये पहला कंडक्टर है, पहला चालक है। दूसरा चालक है, हम इसको Q2 आवेश दे रहे हैं। Q2 आवेश देने से इसका विभव V2 हो जाएगा और इसकी धारिता C2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको ध्यान देना है, जोड़ने से पूर्व, जोड़ने से पूर्व, अभी हमने इनको जोड़ने हैं, कुल आवेश तो कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2। ठीक है बच्चों, कुल आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, सी भी होता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, C1 V1 और Q2 कितना हो जाएगा बच्चों, C2 V2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इन चालकों को, ये दोनों चालक जो है हमारे पास, ए चालक है और बी चालक है, इसको हम एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, कंडक्टिंग वायर। ये है चालक तार से जोड़ देते हैं। तब होता क्या है बच्चों, तब होता क्या है कि ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर आवेश तब तक जाता है कि जब तक दोनों का विभव क्या न हो जाए, समान न हो जाए। दोनों का विभव अब क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आवेश जो है ऊंचे विभव से कहाँ जाएगा, इस पे तो Q1 आवेश था पहले, इसकी धारिता C1 थी। ठीक है बच्चों, इसको हमने Q2 आवेश दिया था, इसकी धारिता कितनी थी बच्चों, C2 थी। अब क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण हो जाएगा, आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाने लगेंगे, तब तक जाने लगेंगे जब तक कि उनका विभव समान न हो जाए। उसी विभव को कहते हैं भी, उसी विभव को कहते हैं बच्चों उभयनिष्ठ विभव। बच्चों इस पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बोर्ड में, उभयनिष्ठ विभव। अब इसका विभव भी वही हो गया और इसका विभव भी वही हो गया। अब इसका विभव भी है और इसका विभव भी क्या हो गया, भी हो गया। अब जोड़ने के बाद कुल आवेश। ठीक है बच्चों, जोड़ने के बाद कुल आवेश तो वही रहेगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 रहेगा, नहीं रहेगा बच्चों, Q1 प्लस Q2। लेकिन इस सूत्र के अनुसार, कौन सा सूत्र, Q बराबर CV के अनुसार, Q बराबर CV के अनुसार अब V1 V2 नहीं होगा बल्कि केवल V आएगा। तो Q1 क्या हो जाएगा, C1 V। देखो बच्चों, C1 V धारिता तो अपनी अपनी रहेगी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, C2 V। ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 मैं आपको बता दूं बच्चों, ये क्यू, ये देखो जोड़ने से पूर्व लिखा था मैंने बच्चों, ये देखो ये जोड़ने से पूर्व है और ये जोड़ने के बाद है। तो बच्चों क्या होगा, ऊर्जा आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया और न तो नष्ट किया। इसका मतलब जोड़ने से पूर्व जो आवेश था कितना था बच्चों, C1 V1 धन C2 V2, वो जोड़ने के बाद हो जाएगा C1 V धन C2 V। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि C1 V धन C2 V बराबर C1 V1 धन C2 V2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों। और
यहाँ पर कितना कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, भी उभयनिष्ठ विभव जो हमने निकालना है, तो कितना हो गया बच्चों सी वन प्लस सी टू हो गया, और यहाँ कितना हो गया बच्चों सी वन भी वन धन सी टू भी टू। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकाल देंगे, भी निकाल देंगे, तो भी कितना हो जाएगा बच्चों सी वन भी वन धन सी टू भी टू, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों सी वन प्लस सी टू। ठीक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा बच्चों सब आपको, तो हमने उभयनिष्ठ विभव निकाल दिया। अर्थात जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ेंगे या दो संधारित्रों को आपस में जोड़ेंगे, तो आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाएगा, तब तक जाएगा कि जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। उस समान विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है, जिसका व्यंजक मैंने यहाँ निकाल दिया। मैं इसको थोड़ा रेड पेन से लिख रहा हूँ, सी वन भी वन धन सी टू भी टू बाय सी वन प्लस सी टू, ये उभयनिष्ठ विभव है, कॉमन पोटेंशियल है, और इस पे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको जो है ये डेरिवेशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।